सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि हमारी जो बहनें हैं संयुक्त मोर्चा की, जिनका कल और आज लखनऊ में प्रदर्शन हुआ है, उन बहनों की मेहनत रंग लाई है। बहनों ने रात जरूर अकेले खुले आसमान के नीचे मच्छरों के बीच वहां पर इको गार्डन में गुजारी, लेकिन उसकी उनकी ये मेहनत रंग जरूर लाई है। आज जानकारियां आनी स्टार्ट हो गई हैं, टाइम लगभग 4-5 हो रहा है, इसी के आसपास बहनों ने मैसेज करने शुरू कर दिए हैं कि हमारी बहनों को वार्ता के लिए सरकार ने बुलाया है। यानी कहा जा सकता है कि लखनऊ धरने से आंगनबाड़ी बहनों की जो आवाज गूंजी है वो सरकार के कानों तक पहुंची है और सरकार ने बहनों को वार्ता के लिए बुलाया है। चूंकि वार्ता के लिए बुलाना एक बहुत ही जरूरी कदम होता है जब भी कोई किसी भी तरह की समस्या को लेकर के प्रदर्शन करता है, सत्ताधारी सरकार ने बहनों की आवाज को सुना, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही कहना चाहेंगे, अगर कानों में आवाज वार्ता के पहले पहुंच जाए तो और अच्छी बात है। साथ ही उम्मीद यही करते हैं, शुभकामनाएं हैं बहनों को कि आप जा रही हैं और जो है वार्ताएं सफल हो आपकी। साथ ही जिन समस्याओं को लेकर के हम सबका ये प्रदर्शन रहा है उन समस्याओं का समाधान भी हो जाए। तो साथ ही आइए देखते हैं कहां कहां से जानकारियां आई हैं। रंभा बहन है, आजमगढ़ जनपद से आती हैं, धरने में बहन हमारी शामिल हैं और ऐसे में उन्होंने भी जानकारियों को जो है ऑल इंडिया को भेजा है। एक तो ये देखिएगा, उन्होंने भी लिखा कि वार्ता के लिए बहने रवाना, रंभा सिंह बहन आजमगढ़ तरवा जो क्षेत्र पड़ता है वहां से आती है, मेहंजापुर ऐसे कुछ उन्होंने जो है लिख करके भेजा है। आइए देखते हैं, मेहनाजपुर दरअसल यहाँ पर जो है क्षेत्र पड़ता है। आगे ले चलते हैं, एक वीडियो भी आया है, इन वीडियो को भी इस वीडियो में देखने को आपको मिलेंगे। तो प्लीज आप सब आज का ये वीडियो पूरा देख के जाना, तस्वीरों को आप देख रहे हैं। यहाँ पर लगभग 8 बहनें मुझे जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बाकी हो सकता है एक दो बहन और जो है इसके अंदर हो गाड़ी में। तो जो भी बहनें हैं वार्ता के लिए जा रही हैं वहां से भी तस्वीरें निकल करके आएंगी, जो वार्ता होगी वो भी सबके सामने होगी। यानी कहने का तात्पर्य है, बताया जाएगा कि वार्ता में आखिर क्या हुआ तो सभी बहनों को पता चलेगा। रंभा जी हैं आजमगढ़ से, उनके द्वारा ये जो कि बहनों की तरफ से शुभकामनाओं सहित जो है ये चीजें भी प्रसारित हो रही हैं। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा को वार्ता के लिए शासन ने बुलाया तो इस बात की बड़ी खुशी है और उम्मीद यही करते हैं कि वार्ताएं बस सफल रहे। पूनम जी हैं आजमगढ़ जनपद से, उनके द्वारा भी ये जानकारी एक भेजी गई है, वार्ता के लिए निकल पड़ी है हमारी जाबाज झांसी की रानी बहनें। मैं पूनम सिंह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आजमगढ़ तरवा ब्लॉक है, शासन ने बहनों को जो है अभी वार्ता के लिए बुलाया है। इस तरह से उन्होंने लगभग 2 बजे के समथिंग ये के मैसेज डाल दिया था। तो यानी कह सकते हैं कि अब तक तो वार्ता बहनों की हो चुकी है। वार्ता में क्या हुआ, क्या क्या चीजें कैसी रही, वो सारी चीजों को लेकर के एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें उन चीजों पर हम चर्चा कर लेंगे। उम्मीद तो यही है कि जो भी होगा उसको लेकर के अलग से वीडियो आएगा। इस वीडियो में हम अपनी बहनों की मेहनत को दिखाएंगे, जो कि उनका आज का दिन में जो भी प्रदर्शन रहा उसको लेकर के। बाकी सुबह के प्रदर्शन को लेकर एक पोस्ट भी दोपहर में डाली गई थी, सावित्री बहन की तरफ से कुछ चीजें लगभग 11 बजे के आसपास भेजी गई थी, तब उन्होंने चीजों को लेकर के अवगत कराया था कि सुबह जो है बहनों ने प्रार्थना की है और उसके बाद जो है अपने दिन का धरने का आज शुरुआत किया है। बाकी बहनों की तरफ से जो प्रार्थना की गई है उसका फोटो वगैरह भी ऑल इंडिया पर आपने देखा था। वहीं बात करें आंगनबाड़ी बहनों का, आज भी 20 तारीख को लखनऊ धरने में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, इसके बारे में भी वीडियो आया था, इस वीडियो को भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। बात करें कुछ तस्वीरों की तो ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, ये सुबह के दौरान की हैं जब बहनों ने आज के अपने धरने की शुरुआत की, तो वहां पर पहले प्रार्थना की ईश्वर से और शायद ईश्वर ने भी प्रार्थना को सुन लिया कि सत्ताधारी सरकार के कानों तक वो आवाज पहुंची और उन्होंने हमारी बहनों की समस्याओं को उन पर विचार करने के लिए जो है वार्ता के लिए बुलाया है। अब ये कुछ चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, एक साथ बहने हैं मंच से, जो तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। और आगे ले चले तो कुछ और भी तस्वीरें हैं जो बहनों की तरफ से प्रसारण के लिए भेजी गई हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही बात करें पार्वती बहन की, जो बहराई से आती हैं, वो भी धरने में शामिल
शामिल हैं और एजुकेटर भर्ती के विरोध में वो भी धरने पर हैं। उन्होंने भी वीडियो भेजा है जिसे हम अभी दिखाएंगे। पूनम बहन आजमगढ़ से, जिनके द्वारा जो कि मैंने अभी अभी बताया आपको, उन्होंने जो जानकारियों को भेजा, नीचे उन्होंने ये भी लिखा है कि जिन बहनों को 144 धारा नजर नहीं आ रही, इन बहनों को भी आप लोग गौर से देख लीजिए क्या वह धारा इन बहनों के लिए नहीं है। मैंने धरने के पहले ही सारी चीजों को क्लियर कर दिया था, जब महानिदेशक जो है का लेटर आया था पुलिस प्रशासन से धारा 144 लखनऊ में लागू होने की कंडीशन को लेकर के, तो उसमें मैंने साफ साफ चीजों को बता दिया था कि धारा 144 इको गार्डन लखनऊ में लागू नहीं है और हमारी बहनें जो प्रदर्शन कर रही हैं उसके लिए अनुमति भी लेकर के जा रही हैं। तो अनुमति लेकर के और इको गार्डन में प्रदर्शन करने के लिए धारा 144 का वहां पर असर नहीं मिलेगा। वहीं कोई बिना अनुमति के, मैंने कहा था, सड़कों पर लखनऊ में इधर उधर कहीं अगर प्रदर्शन करता है जिससे लोगों को तकलीफें हो या धारा 144 के नियमों का उल्लंघन हो तो वहां पर कार्रवाइयां होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। और इसीलिए हमारी जो भी बहनें हैं जो इन चीजों को समझ है वो वहां पर पहुंची और अपनी ताकत का परचम लहराया। पूनम बहन आजमगढ़ से, जिनके द्वारा देखो ये सब फोटो वीडियो सब भेजे गए थे, जिन्हें जिनमें से इन चीजों के जो वीडियो आए हैं वो अभी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। निधि सिंह बहन हमारी लखनऊ से ही है और वह लखनऊ से हैं और अच्छी बात यह है किसी भी यूनियन से फिलहाल वो अभी नहीं जुड़ी हैं, लेकिन वह अपनी बहनों का वहां पर साथ देने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने लिखा कि किसी यूनियन से नहीं हूं, सिर्फ अपनी बहनों से उनका साथ देने के लिए आई हूं ECC एजुकेटर के जो है खिलाफ। तो यहां पर आप देखिएगा, बाकी यहाँ पर नीचे सरिता साक्य जी, ऐसे उन्होंने लिखा। सरिता साक्य जी का दरअसल एक वीडियो है जो कि उन्होंने भेजा है उस दौरान जब वो वहां पर पहुंची होंगी, तो जो भी उन्होंने कहा है तो वीडियो अभी हम इसमें दिखाएंगे। साथी बहन क्या कहना चाहती हैं। मनीषा बहन है प्रतापगढ़ से आती हैं और साथ ही कुछ ये देखो वीडियो वगैरह भी उन्होंने शेयर किए हैं और बाकी आर्टिकल भी आए हैं जो आज तमाम जो है मीडिया चैनलों में कह लो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कह लो, अखबारों में कह लो, जहां पर जगह मिली है। साथ ही मनीषा जी हैं प्रतापगढ़ से, उन्होंने अपने वहां से देखिएगा ये तस्वीरें भेजी हैं जो कि आज लखनऊ धरने की ही ये सब तस्वीरें हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भारी संख्या में बहनें कल और आज वहां पर मौजूद रहीं। वहीं एक और तस्वीर आई है जिसमें बताया जा रहा है लिख करके कि SP तिवारी महासचिव TUCC यूपी आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के विशाल धरने को संबोधित करने के लिए लखनऊ पहुंचे और यहां पर इको गार्डन में आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर वो संबोधित करेंगे। तो बहनों ने यहां पर आंगनबाड़ी नेता सुषमा कुरील बहन, जिन्होंने जो है SP तिवारी जी का स्वागत किया। तो इस तरह से यहां पर ये कुछ तस्वीरें भी निकल के आ रही हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा कि कम से कम लखनऊ के लिए हमारी बहनें जनपदों के अलग अलग कोने से पहुंची और सरकार ने उनकी समस्या को सुना। नहीं सुनती सरकार तो यह भी तय था कि बहनें अभी और जनपदों के कोने कोने से वो आती, अभी जो जनपद रह गए हैं वहां से भी बहनें पहुंचती, ये चीजें हैं। लेकिन अच्छी बात है कि वार्ता के लिए बुला लिया गया तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि समय भी बचेगा, समस्याओं का समाधान भी समय पर हो जाएगा। सुशील कुमार जी हैं प्रयागराज से, उन्होंने भी अपने वहां से जानकारियों को भेजा है। दरअसल मैं बात करूं यहां पर हमारी आंगनबाड़ी बहन जो है वो है कुसुम शुक्ला और ये इनका उल्दा मांडा जो क्षेत्र पड़ता है प्रयागराज में, वहां से आती हैं। लखनऊ में 10 बजे का समथिंग का एक वीडियो उन्होंने बना करके भेजा है जिसे हम दिखाएंगे। सुशील कुमार जी प्रयागराज से हैं, जिनके द्वारा, यानी हमारी यही बहन है जिनके द्वारा ये जानकारियां भेजी गई हैं। दरअसल सुशील कुमार बहन के पति हो सकते हैं। सुनीता जी आजमगढ़ से, उन्होंने भी अपने वहां से वीडियो को भेजा है। दरअसल ये बहन भी हमारी वहां पर धरने पर मौजूद है। ऐसे ऑल इंडिया परिवार से जुड़ी बहुत सी बहनें धरने पर मौजूद हैं। अच्छी बात है कि वो अपना हक अधिकार मांगने के लिए शासन से जो है वहां पर लखनऊ पहुंची हैं ताकि सरकार के कानों तक उनकी आवाज जाए और अपनी भीड़ का भी जो ताकत का जो अंदाजा है वो भी सरकार को वो लगवा पाए। मनोज जी प्रयागराज से हैं, उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी। दरअसल लिख नहीं पाती हैं, लिखने में उनको समस्या है और बाकी वीडियो उन्होंने भेज दिया है जिस वो भी धरने पर मौजूद हैं। आज जो है वो भी धरने पर मौजूद हैं, ऐसे में उन्होंने भी वीडियो बना करके एक भेजा है। तो आइए अब वीडियो वगैरह जो Oh
का बैनर कर लेते। मेरी बहनों, इतनी दूर दराज से आप सभी लोग चल के आई हैं और ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग संयुक्त मोर्चा। हम लोग भटक भटक के लड़ रहे थे, इसमें गीतांजलि जी, सुषमा जी और ये भाई सावित्री चौधरी और शशि बाला जी, इन लोगों ने एक निर्णय लिया और पल पल की आपको खबर हम लोग देते रहे। बिना मिले जुले, बिना इकट्ठा हुए कोई भी संघर्ष कामयाब नहीं हो सकता। योगी जी की ताना साही, योगी जी
योजना का भी लाभ उन्हें दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के लिए खेत का विषय है, सरकार द्वारा ये सौतेला व्यवहार है, इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने को बहुत ही छली हुई महसूस कर रही है। बड़े ही आशा और विश्वास के साथ आपकी सरकार बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरपूर योगदान दिया था। आप द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों के सुधार और सम्मानजनक मानदेय देने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी निराशा व आक्रोशित व्याप्त है और मनोबल टूट रहा है। भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सबसे कम मानदेय मिलता है। 62 वर्ष की याद पर मेरी बहनों, इतनी दूर दराज से आप सभी लोग चल के आई हैं और ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग और आपको समर्थन देने आई है। गिरीश पांडे जी की वोट की है, जोरदार तालियों के साथ बहनों। यहाँ पे सम्मानित सभी प्रदेश कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं, संचालक महोदय, मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहूंगी। बहुत कुछ आपको बता दिया गया है, मैं बस ये बताना चाहूंगी आपको और यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों से आपके मन की बात और अपने मन की बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी संचालक महोदय को कि जो समर्थन पत्र आप मांग रहे महोदय सिस्टम के तहत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने ये कहा है कि आप मत जाओ, लेकिन एक सिस्टम होता है, वो प्रदेश के मुखिया है और मैं जो फैसला लेके आई हूँ वो अपने जिले में जिले को देखते हुए लेके आई हूँ। उनका विरोध नहीं है, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। मैंने उनको सूचना बकायदा दे के आया है कि मैं नैतिक समर्थन देने जा रही हूँ और आज मैं यहाँ से एक मंच पर संदेश देती हूँ कि कौन कोई तैयार करता है कि आंगनबाड़ी में विखराव है। अगर ऐसा है तो जौनपुर संदेश देते हैं, यहाँ जौनपुर की 3-3 नेतृत्व करता बैठे हैं, मीना यादव और सावित्री दीदी की नेतृत्व करता जो CITED बीना दीदी और महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का संयुक्त रूप से नेतृत्व करती है। लेकिन कल रात मैंने बहुत गहन मंथन किया, रात को मैंने मैसेज किया और सुबह मैं चल दी। इसलिए इसका मैं आपको बताना है और मैं प्रदेश यहाँ पे संचालक महोदय आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी महिला ऐसा धरना देखी जहाँ पे सिस्टम फॉलो हो रहा है कि जब हम आपस में एक दूसरे को दलाल कहना
क्षमा चाहूंगी मैं आपकी बात को बीच में आपने रोका, हमने आपको रोका क्योंकि देखिए शासन से फोन आ रहा है और आपके लोगों की तरफ से ये जो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, आप लोगों ने अपना नेतृत्वकर्ता जिसे चुना है वो नेतृत्वकर्ता आपके साथ संघर्ष में शामिल है आपकी अगुवाई करने के लिए। और अभी मैसेज आया है कि सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ संयुक्त वार्ता के लिए हम लोगों को आमंत्रित दिया गया है। तो बहनों आप लोग ईश्वर का नाम लेते हुए हम सब लोगों को एक ताकत के साथ, एक ऊर्जा और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। अपनी बड़ी बहनों लोगों से आशीर्वाद चाहूंगी, छोटी बहनों का प्यार चाहूंगी और इस वार्ता में कहां तक मुझे सफलता मिलती है, हम सब लोग कहां तक सफलता प्राप्त करके आते हैं आपको बताएंगे। और तब तक यह धरना इसी तरह से अनुशासन के साथ चलता रहेगा और वार्ता में जो भी बातें होती हैं वहां से आने के बाद आपके समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यह घोषणा किया जाएगा। ठीक है, तो मेरी बहनों आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ हम प्रतिनिधिमंडल अब जाने की तैयारी में है। धन्यवाद। और